आज हम लोग बनाएंगे बची हुई रोटी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसको चाय के साथ दे सकते हैं, ऐसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में हम 5 आलू को बॉईल करके मैश कर लिए हैं और यहाँ पे डालेंगे 1 प्याज को बारीक कट करके, 1 हरी मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे और इसको चटपटा बनाने के लिए 1/2 नींबू का रस डालेंगे। सभी को मिक्स करेंगे और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो और सभी को मिक्स करेंगे। कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि इसका कलर बढ़िया आए। उसके बाद हम इसको साइड में रख लेते हैं। मिक्स करके एक कटोरी में हम लेंगे 2 चम्मच मैदा और यहाँ पे हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स और नमक थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल रेडी कर लेंगे। इस तरीके का घोल रेडी करना है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे, तो तवा रखेंगे और बची हुई रोटी को हल्का सेक लेना है बटर लगाकर, ताकि रोलिंग करने में टूटे नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कि हमने यहाँ पे बची हुई रोटी लिए हैं और एक ताज़ा रोटी, दोनों में बटर लगाकर सेक लिए हैं। एक रोटी का रोल बना लेते हैं पहले, इसी तरीके से हम दूसरा रोल भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम टोमेटो सॉस लगाएंगे, चारों तरफ एक बराबर लगाना है। अब हम इसके ऊपर फिलिंग जो बना कर रखे हैं उसको रखेंगे और पतला लेयर में ऐसे इस तरीके से फैला लेना है और दोनों हाथ से ऐसे पकड़कर इसका रोल बनाना है। इस तरीके से दबाकर दोनों साइड से देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरीके से बनाना है। और यहाँ पे जो घोल बना कर रखे हैं उसको लगा देंगे ताकि बढ़िया से चिपक जाएंगे, खुलेगा नहीं इस तरीके से बनाने से। और चलिए फ्रेंड्स इसको काट कर देखते हैं कि कैसे कट करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसको कट करके हटा देंगे और इस तरीके से पकड़ कर कट करेंगे। ऐसे ही सारे रोटी को हम बनाकर कट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं और उसमें तेल डाल दिए हैं। तेल हल्का गर्म होने के बाद एक एक रोल को डिप करेंगे बोल में और उसके बाद डालते जाएंगे। और डालने के तुरंत बाद हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद हम इसको पलटेंगे। थोड़ा देर हो चुका है, अब इसको हम पलट लेते हैं और दोनों साइड हम क्रिस्पी होने तक पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। एक बार आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम सॉस के साथ सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।